से रिलेटेड कौन से ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन सेफ्टी या पेशेंट सेफ्टी जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उसको किसी भी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, वो जो हैं ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं उसमें आ जाएंगे। तो ह्यूमन फैक्टर्स और उनका पेशेंट सेफ्टी से क्या रिलेशनशिप है, ये आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं क्या हैं, उनमें क्या क्या आ जाता है। तो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं इनमें कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो कि इंसान और उस का रिलेशनशिप जो है किसी भी सिस्टम के साथ जो कि वो यूज़ कर रहा है उस पे असरअंदाज होने वाले जो भी जो हैं अनासिर हैं, वो सारे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं उसमें शामिल हैं। एक ह्यूमन बीइंग जो है कोई भी सिस्टम अपने जो है एफिशिएंसी को, क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है या एरर्स जो है उनको कम करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स और उनका रिलेशन जो है ह्यूमन के साथ, वो सारे ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ह्यूमन फैक्टर्स के लिए हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाती हैं। और सेकंड नंबर पे ह्यूमन फैक्टर जो है वो पेशेंट सेफ्टी जो है उस पर किस तरह असरअंदाज होती है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। फिर हमें अगर पता चल जाएगा ह्यूमन फैक्टर्स का, तो उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है या उनको किस तरह से डेवलप करना है पेशेंट सेफ्टी के लिए, पेशेंट सेफ्टी को परफॉर्म करने के लिए, ये चीज़ें। ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं कोई भी फैक्टर्स एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, सिस्टम से रिलेटेड हैं या किसी काम से रिलेटेड हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर ह्यूमन जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स जो है ये बेसिकली वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि सही तरीके से काम करने में हमारी मदद करेंगे। ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं इनका जो है, एक दफ़ा हमें ह्यूमन फैक्टर्स का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको किस तरह से हमने एक स्पेसिफिक काम करना है उस चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बेहतरी जो है उसको उसके लिए काम कर सकते हैं, उनको हम सही तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। एक दफ़ा जब हमें एक चीज़ जो है उसकी आउटलाइन जो है उनका पता हो कि क्या चीज़ें हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उस पे नेगेटिवली जो है असरअंदाज हो रही हैं, अब हमने इनको जो है करना है, इनको मोल्ड करना है कि ये जो है हमारे फायदे के लिए जो है हम इन्हें यूज कर सकें। तो हेल्थ केयर सिस्टम में ह्यूमन फैक्टर्स का जो नॉलेज है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको डिज़ाइन कर सकें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ईज़ के लिए, हमारी जॉब जो है वो फिर हम सही तरीके से जो है उसको कर सकें। ह्यूमन फैक्टर्स शो अस टू मेक श्योर दैट वी यूज़ सेफ प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, कम्युनिकेट वेल इन टीम्स एंड हैंड ओवर इंफॉर्मेशन टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ह्यूमन फैक्टर्स का नॉलेज जो है वो इन तमाम चीज़ों जो हैं उनमें हमें मदद जो है वो करेगा डिफरेंट जो भी हमारी प्रैक्टिस है उसको सही तरह करने में, डिफरेंट टीम्स और पेशेंट्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में, और इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से डिलीवर करने में। तो ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो इन तमाम चीज़ों जो हैं उनको लेकर साथ चल रहे हैं, मतलब पेशेंट सेफ्टी जो है उसमें एक बेसिक या मेन चीज़ जो है वो ह्यूमन फैक्टर्स हैं कि हमने उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है कि वो पेशेंट जो है उसकी सेफ्टी के लिए काम कर सके। ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं ये किसी भी जो है सिस्टम और किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, एविएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, मिलिट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से एंड डिफरेंट ऑल, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसमें कोई भी फैक्टर्स जो कि ह्यूमन को जो है असरअंदाज कर रहे हैं वो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स कौन है? ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो
स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे कवानीन होते हैं, तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो भी फॉलो करेगा वो ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट होगा। ये गाइडलाइंस जो हैं, ये यूज करने का फायदा क्या है कि हम सेफली और एफिशिएंटली जो है अपना काम कर सकें। अब हर चीज जो है उससे रिलेटेड डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जिन पे अमल करके हम जो है अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। वो गाइडलाइंस जो हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, मेडिकेशंस ऑर्डर करते हुए जो हैं डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, पेशेंट्स को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मूव करना है या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से मूव करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, मेडिकेशन जो है उसकी चार्टिंग जो है उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो हर चीज़ जो है जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए एक डिफरेंट कह लें सब कैटेगरी है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जिन पर अमल करके हम पेशेंट जो है उसकी सेफ्टी जो है उसको मुमकिन बना सकते हैं। मैम हैंड ऑफ का बता दें दोबारा। हैंड ऑफ या हैंड ओवर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस किन रूल्स पे किन किन रूल्स को हमने फॉलो करना है इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि हमें पता क्या रूल्स हैं जिनका हमें पता हो कि इंफॉर्मेशन हमने कौन कौन सी देनी है पेशेंट को, किस किस चीज़ से रिलेटेड उसका पता होना ज़रूरी है। हमारे पास जितना नॉलेज होता है हमने सारा का सारा वो नॉलेज पेशेंट को डिलीवर नहीं करना होता, हमने सिर्फ उसकी डिजीज या उसका रिलेटेड कंसर्न जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको देनी है। तो हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन देते हुए जो है आ जाती है या उससे ओके सेट मैम, करते हैं वो इसमें आते हैं। फिर है रेंज ऑफ वर्कर्स, कौन कौन से लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए काम करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन है वो इसमें नहीं आता, बल्कि एक अनएक्सपीरियंस्ड जो हेल्थ वर्कर है वो भी इसमें आता है। हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद हर हर बंदा, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है या इनएक्सपीरियंस है, अभी न्यू है इस फील्ड में, छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, हर बंदा जो कि किसी ना किसी तरह पेशेंट सेफ्टी के लिए काम कर रहा है वो जो है सारे लोग जो है वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद है और उनका अपना अपना एक जो है क्राइटेरिया है, अपना अपना एक असाइंड काम है जो उन्होंने करना है पेशेंट की सेफ्टी जो है उसके लिए। तो इसमें सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स जो है ये क्या एक्नॉलेज करता है? ह्यूमन फैक्टर्स जो है इनसे दो चीजें हैं। नंबर वन के जो नेचर है इंसान की उसमें जो है कह लें कि गलतियों का होना लाजमी है। ह्यूमन जो एरर्स हैं वो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। अब ये एरर्स जो हैं ये जानबूझ के भी हो सकती हैं और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो कि लाजमी होती हैं होना। अब उनको अवॉइड करने के लिए हमने किस तरह से काम करना है ये बेसिकली हमने देखना है। तो आप अज्यूम करें कि एक एरर जो है वो लाजमी होनी ही होनी है, या ये कह लें कि एक दवाई अगर हम ले रहे हैं तो उसके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो लाजमी होने हैं। अब उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या चीजें जो है क्या मेजर्स हैं जो कर सकते हैं वो बेसिकली इसमें आ जाती हैं। क्लास में पूछा लिखा आपने उसमें क्लास का साहब का नाम बताओ। सालमा सालमा ठीक है, लेक्चर ले लें फिर देख लीजिएगा। सॉरी। अच्छा तो हम कहाँ पे थे कि एरर्स जो हैं वो इनवाइटेबल हैं। अब उनको अवॉइड करने के लिए हमने क्या चीजें हैं क्या पॉलिसीज हैं वो डिजाइन करनी है, ये चीजें हमने देखनी है कि उनको हम कम से कम कर सकें। अब ये एक जो है पिक्चर है, इसमें डिफरेंट जो है कलर्स जो है
बाय देयर नेम लिखे हुए हैं, लेकिन उनका जो कलर शो किया हुआ है वो जो एग्जैक्ट कलर लिखा हुआ है उससे डिफरेंट है. तो आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कभी आप जो है कलर पढ़ेंगे, कभी आप जो है जो उसका मतलब लिखा हुआ कलर है वो पढ़ेंगे. तो ये समझाने के लिए एक चीज है कि ह्यूमन एरर्स जो है वो इनइवाइटेबल हैं. आप बाज एरर्स ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है. तो जो है हम क्या कोशिशें ऐसी करेंगे कि एरर्स जो हैं उनको अवॉइड कर सकें. हमने वो पॉलिसीज जो हैं वो बनानी है और उन पे उन गाइडलाइंस को लेकर चलना है. तो द फैक्ट दैट वी कैन मिसपरसीव सिचुएशंस डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ आर इंटेंशंस इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट आर डिसीजंस एंड एक्शंस कैन बी फ्लॉड. क्या है कि हम अपनी कोशिश के बावजूद बाज़ एरर्स ऐसी हैं या मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि जो है हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो हो जाती हैं. ह्यूमन बीइंग्स मेक सिली मिस्टेक्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस मोटिवेशन और विजिलेंस और पीपल मेक मिस्टेक्स. तो क्या है कि लाजमी नहीं है कि एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है या बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है तो वो गलती नहीं कर सकता. गलती जो है वो इंसान की नेचर का हिस्सा है और जो है उसके लिए ये फैक्टर्स जो हैं एरर्स जो हैं इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती. गलती जो है एरर्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि एरर होगी या नहीं होगी. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं हम आगे देखते हैं. एरर्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं स्किल बेस्ड एरर में और मिस्टेक्स में. स्किल बेस्ड एरर्स जो हैं उनमें क्या आ जाता है, स्लिप ऑफ एक्शन. कोई एक काम जो है हम स्पेसिफिक जो हमारा है काम उससे हम थोड़ा सा हट जाए, या फिर मेमोरी लैप्स की वजह से कोई मिस्टेक जो है वो हो गई है. तो ये एरर्स जो हैं ये स्किल बेस्ड एरर्स जो हैं उसमें आ जाती हैं. मिस्टेक्स में क्या आ जाता है, रूल बेस्ड और नॉलेज बेस्ड. नॉलेज बेस्ड में आप ये कह लें कि आप अपना नॉलेज जो है उसको अपडेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब जो एरर आनी है जो मिस्टेक्स होनी है वो जो है सिस्टम में फ्लो का बाइस बनेंगी. या फिर रूल बेस्ड, आप जो है अपर अथॉरिटी हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो है मैं ही बेहतर जानता हूँ या ये जो सेट रूल है ये बेहतर है दूसरी चीज़ों की निर्भर. तो उसको नज़रअंदाज करने की वजह से जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो किस तरह असरअंदाज होंगी. फिर डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो कि एरर जो है उसको इंक्रीज करती हैं, उसका रिस्क जो है उसको इंक्रीज कर देती हैं कि हाँ इन सिचुएशंस में गलती जो है उसका चांस बढ़ जाएगा. कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, अनफेमिलियरिटी विद द टास्क. पहली बात तो ये है आपको पता ही ना हो कि आपने जो काम करना है वो है क्या. जब एक चीज़ का पता ही नहीं होगा सही से उसके बारे में, जो उसकी उसका बेसिक नॉलेज है उसकी बेसिक आउटलाइन है वो पता नहीं होगी तो फिर आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर सकते. नंबर टू पे आ जाता है इन एक्सपीरियंस. तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें एक्सपीरियंस जो है वो होना ज़रूरी है. एक्सपीरियंस में कहने ये चीज़ नहीं आ जाती कि 10 साल एक्सपीरियंस हो 5 साल एक्सपीरियंस हो, टाइम पीरियड नहीं उसमें काउंट करना करता. उसमें सही से उस चीज़ से जो है आगाह होना ज़रूरी है. उसकी जो बेसिक आउटलाइन है, जैसे एक सॉफ्टवेयर है उसको हमने यूज़ किस तरह करना है वो चीज़ जो है एक्सपीरियंस में आ जाती है. उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता हो कि हम क्या चीज़ें हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. फिर है शॉर्टेज ऑफ टाइम. टाइम की कमी की वजह से जो है जो एरर्स हैं टाइम की कमी जो है उसका बाइस बन सकती है. कैसे, एक जो है प्रोसीजर 20 मिनट में होना है लेकिन हमारे पास टाइम कम है, हमने किसी और जो है चीज़ के लिए दूसरे को अपॉइंटमेंट दी हुई है, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, हम
हमारे दिमाग में चल रहा है कि 15 मिनट है, इस काम को मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है, जबकि वो काम जो है ही 20 मिनट के अंदर होने वाला। तो अब इससे जो एरर आ रही है वो जो है उसका चांस जो है वो बढ़ जाएगा। इनएडिक्वेट चेकिंग, जो भी सिस्टम में मेंटेनेंस है उनको एडिक्वेटली चेक ना किया जाए। जैसे आप काम करने से पहले लैपटॉप जो है उसकी चार्जिंग जो है उसकी बैटरी को चेक ना करें और काम जो है वो करना शुरू कर दें, तो ये जो है ये एक एरर जो है उसको इंक्रीज कर देगी कि ड्यूरिंग वर्क आपका लैपटॉप जो है वो ऑफ हो जाना है, बैटरी डेड हो जानी है। ठीक, पुअर प्रोसीजर्स आ जाते हैं। पुअर प्रोसीजर्स जो है उनमें सही तरीके से कोई भी प्रोसीजर जो है उसकी अटेम्प्ट है, अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो वो एरर जो है इंक्रीज होने का चांस है। पुअर ह्यूमन इक्विपमेंट इंटरफेस, अब ह्यूमन और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो एरर आ रहे हैं वो हैं, आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड जो भी एरर्स आएंगी वो इसमें आ जाती हैं। अब है इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कि एरर्स जो हैं उनका बाइस बनते हैं। एक ह्यूमन बीइंग जो है उससे रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं जो कि एरर कोज करेंगे। अभी हमने ओवरऑल एरर्स देखे थे जो जो हैं इंक्रीज कर रहे थे एरर्स को, अब एक इंडिविजुअल से रिलेटेड एरर्स जो हैं वो क्या हैं। लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी, आपका नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपने स्टोर नहीं की नहीं अपनी जो है मेमोरी में, लाइक ऑल रूल्स जो हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड वो आपने याद नहीं किए, आपने जस्ट 2 रूल्स जो हैं उनको याद रखा हुआ है और उनको फॉलो कर रहे हैं, तो अब बाकी जो कहने 8 रूल्स हैं वो भी ज़रूरी हैं एक प्रोसीजर जो है उसको सही तरीके से सही अंदाज में करने के लिए। तो उस वजह से जो एरर आ रही है वो इंडिविजुअल जो है पर्सन जो है उसका उसकी वजह से है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप जो है फटीग हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। फटीग और स्ट्रेस जो है ये सबसे अहम चीज़ है, जब आप ओवरलोड ऑफ वर्क जो है उसकी वजह से प्री ऑक्यूपाइड होंगे तो आप अपना काम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, आप जो सारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से जो है दिमाग नहीं या टाइम नहीं दे पा रहे उस काम के लिए, आप प्री ऑक्यूपाइड हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी और प्रॉब्लम जो है उसमें आप फंसे हुए हैं, तो आप जो आपका करंट जो है वर्क है उसको सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। इलनेस, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल जब बीमार होता है तो वो अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती फिजिकल या मेंटल कि वो सही तरीके से अपना काम कर सके, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। लैंग्वेज और कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, अगर एक लैंग्वेज जो है आप किसी एक एरिया में काम कर रहे हैं और वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि असरअंदाज होगा मेनली जो है उस वर्क पे, वो काम आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे या उनके कल्चरल फैक्टर्स जो हैं उनको आप नहीं समझ पा रहे, तो ये चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट कर रही हैं आपके स्पेसिफिक जो भी वर्क है उसको। हैज़र्डस एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है वो उस रिलेटेड फील्ड जो है उसके लिए जो है सही ना हो तो आप जो है एरर्स जो हैं उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक आप पंक्चुअल जो है वो नहीं है, पंक्चुअलिटी जो है उसको फॉलो नहीं करे, या आप केयरलेस हैं, या आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एटीट्यूड जो हैं उनको शो कर रही हैं, तो ये जो है ये सारी चीज़ें ड्रास्टिकली अफेक्ट करेंगी आपके सिस्टम को। ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो और पेशेंट सेफ्टी, इनमें जो रिलेशन है कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं पेशेंट सेफ्टी के लिए, तो 2 मेन फैक्टर्स हैं फटीग और स्ट्रेस, ये जो है ये मेनली जो है डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं पेशेंट सेफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी जो हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं।
Prolonged work has been shown to produce the same deterioration in performance as a person with a blood alcohol level of 0.05 millimol per liter, which would make it illegal to drive a car in many countries. तो सबसे पहले fatigue जो है उसका बता रहे हैं कि prolonged जो है working hours की वजह से आप अपनी productivity जो है वो जो है efficiently नहीं दे सकते. आप 100% जो है अपना काम नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है मेंटली स्टेबल ना हो. पहले से आप जो है प्री ऑक्यूपाइड होंगे, फटीग्ड होंगे, तो आप अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे. नंबर टू जो है वो स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस जो है उसके लेवल लो हो या हाई हो, तो दोनों लेवल्स जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं. आप अपना कोई भी काम, अपनी आउटपुट जो है वो 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे ड्यू टू स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि आप किसी और परेशानी की वजह से जो है प्री ऑक्यूपाइड है मेंटली, जो कि आप अपना जो अपनी फील्ड है उसमें दिमाग नहीं लगा पाएंगे. तो ये दो चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा पेशेंट सेफ्टी जो है उस पे उसको अफेक्ट कर रही है. परफॉर्मेंस चेकलिस्ट है एक. बेसिकली ये एविएशन जो है उससे रिलेटेड है. एविएशन वालों ने जो है ये एक एक्रोनिम बनाया हुआ है, आई एम सेफ. एक इंडिविजुअल जो है उसको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करने के लिए. तो आई एम सेफ जो है ये क्या है? आई फॉर इलनेस, एम फॉर मेडिकेशन, एस फॉर स्ट्रेस, ए फॉर अल्कोहल, एफ फॉर फटीग एंड ई फॉर इमोशन. ये क्या है? एक इंडिविजुअल बिफोर गोइंग टू हिज वर्क प्लेस ये चीजें जो हैं वो ये चेक करके वेदर ही इज सेफ और नॉट. तो सबसे पहले है इलनेस. अगर वो बीमार होगा तो वो जो है सही से काम नहीं कर पाएगा. मेडिकेशन कोई तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से जो है उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पर असरअंदाज हो. जैसे अगर पेशेंट जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है या जो है एंटी एलर्जिक्स ले रहा है, तो उनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें ड्राउजनेस जो है वो होती है. तो ड्राउजनेस अगर होगी तो आप अपना काम जो है वो सही तरह से कर नहीं पाएंगे. तो कौन सी मेडिकेशंस हैं जो आप ले रहे हैं और उनका साइड इफेक्ट किस तरह से आपके वर्क प्लेस पे अफेक्ट करेगा, ये चीजें आपने देखनी है. फिर स्ट्रेस है, वेदर यू आर स्ट्रेस्ड और नो. आपने अपनी वर्क प्लेस जो है उस पे जो है स्ट्रेस किसी और चीज का नहीं लेना. एक जगह का स्ट्रेस आप उस जगह पे छोड़कर जिस दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं वहां का स्ट्रेस वहां पे रखें और अपने घर का स्ट्रेस अपने घर पे रखें. ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए. अल्कोहल, आपने काम पे जाने से पहले अल्कोहल तो नहीं ली. फटीग्ड, आप फटीग तो नहीं हुए वे बहुत ज्यादा लास्ट नाइट जो है वो आप जागते रहे हैं ड्यू टू योर वर्क डेडलाइन और कंप्लीशन, तो उस वजह से जो है आप अब सुबह के टाइम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. और इमोशंस, अगर आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगी. तो ये सारी चीजें हैं. आई एम सेफ इसका एक्रोनिम है जो कि पर्सनल परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करने के लिए या सेल्फ असेसमेंट जो है उसके लिए बनाया गया है. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं उनको यूज करने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है. तो अवॉइड रिलायंस ऑन मेमोरी. आपने मेमोरी जो है सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना, जो आपकी स्टोर्ड जो चीज़ें हैं उन पर रिलाई नहीं करना. आपने जो है सारी चीज़ें जो हैं उनको साथ साथ लेकर चलना है, जो करंट और जो आपका बैक नॉलेज है वो. मेक थिंग्स विजिबल, सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए. क्या काम आप कर रहे हैं और उसको किस तरह से करना है, कौन सी गाइडलाइंस हैं जिन पर अमल करके आपने वो काम जो है सही तरीके से अंजाम देना है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर होनी चाहिए. रिव्यू एंड सिंप्लीफाई प्रोसेसेस. तो
जो ह्यूमन सेफ्टी के लिए हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उनको हमने इन अ सिंपल फॉर्म यूज करना है, ताकि इजीली हम अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। अगर जो है हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे फैक्टर्स को, तो वो काम जो है थोड़ा कह ले इन अ डिफिकल्ट वे रहेगा, या टाइम जो है उसका ज्यादा करने में यूटिलाइज, उस चीज को यूटिलाइज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिंप्लीफाइड चीज कर देंगे तो टाइम जो है वो कम जो है इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्डाइज कॉमन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, तो कॉमन प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो है उनको, उनके लिए हम स्टैंडर्ड्स सेट कर लें जिन पे अमल करके हम हर बार जो है उस तरीके से वो काम कर सके। रूटीनली यूज चेकलिस्ट, चेकलिस्ट जो है उन रूटीन यूज के लिए होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोसीजर, बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोसेस, उन चेकलिस्ट को चेक किया जाए कि ये सारी चीजें जो इन इस काम के लिए हमें चाहिए वो पूरी है कि नहीं है। डिक्रीज रिलायंस ऑन विजिलेंस, तो विजिलेंस जो है सिर्फ उस पे जो है रिलायंस नहीं करना, उस पे रिलायंस जो है उसको कम जो है वो करें। तो ये सारी चीजें जो है ये परफॉर्म करेंगे तो हम बेटर, इन अ बेटर वे पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए काम कर सकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। आ गई है मैम समझ। मैम आ गई है समझ, मैम क्लियर है। कोई और इशू आ रहा हो आप लोगों को? मैम मेरा ना इस लेक्चर के साथ क्लैश है, पेशेंट सेफ्टी 2 के साथ। तो मैंने मैडम से बात किया, वो कह रही हैं अल्टरनेट डेज पे क्लास ले लिया करें।